पूछा था कि मध्य प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे दंत चिकित्सक जो है नहीं, तो उसके जवाब में जो है करीबन 75% जो है हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ दंत चिकित्सक जो है उपलब्ध नहीं। मेरा कहना यह है कि एक तरफ जो है सैकड़ों हमारे डॉक्टर बेरोजगार जो है प्रदेश में घूम रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, दूसरा पहलू यह है कि 75% हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है। तो जब दूसरी जगह हम संविदा से जो है भर्ती करते हैं तो क्यों नहीं हम दंत चिकित्सकों को इसमें सरलीकरण करके जो है इसमें भर्ती संविदा के माध्यम से कर सकते हैं। और मेरा ये सुझाव कि जो है रोगी कल्याण समितियाँ आपकी हर हॉस्पिटल के लिए खुली, रोगी कल्याण समिति के माध्यम से ऐसे जो बेरोजगार दंत चिकित्सक हमारे प्रदेश में हैं उनको सरलीकरण करके और जो है इसमें संविदा के माध्यम से भर्ती किया जाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की आम जनता का भी भला हो और जो बेरोजगार नौजवान हों उनका भी भला हो और जो है आम आदमी को सरलीकरण ये है। तो इस पर जो है वो मंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि नहीं इस पर हम शीघ्र विचार करेंगे और इस पर निर्णय करके जो है कार्रवाई करेंगे। बताइए जी, अभी वो गौशाला वाले मामले पे कलेक्टर एसपी ने रिपोर्ट दी है कि अंदर घुस के हिंदू समिति के लोगों ने शराब पी के घुस के महिलाएं छेड़ी, तो इस रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है? अब जब जो है कलेक्टर और एसपी रैंक के अधिकारी जो जिले के प्रमुख अधिकारी होते हैं और जो है वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो इस तरीके की जो है जब रिपोर्ट दे रहे हैं तो फिर मेरे कहने का तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा अर्थ रह नहीं जाता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबके साथ न्याय करना चाहिए और अच्छी व्यवस्था बना के रखना चाहिए। उसमें जो भी